नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरेट्स की। तो कोरेट्स मतलब होता है कोविड रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। ये सिटी जो चेस्ट है इसका फाइंडिंग्स है, इसके आधार पे जो है रेडियोलॉजिस्ट बताएंगे कि ये जो न्यूमोनिया का जो चेंजेस हुआ है या जो लंग्स में जो चेंजेस है ये किसके चलते हैं, कोविड के चलते है कि नहीं ये बताएंगे। इसका 6 स्कोर होता है, कोरेट्स 1, कोरेट्स 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 1 में क्या होता है, 1 में कोई लंग में चेंजेस नहीं मिलता है। 2 में क्या होता है कि लंग में चेंजेस है, निमोनाइटिक चेंजेस है, बट ये किसके चलते है, ये कोविड के चलते है कि बैक्टीरिया के चलते है कि फंगस के चलते है ये क्लियर नहीं। 3 में बताया जाएगा कि जो लंग में जो चेंजेस है ये चांसेस है कि ये कोविड के चलते है। 4 में बोलेंगे कि ज्यादा चांस है कि ये कोविड का ही इन्फेक्शन लग रहा है जो लंग्स में हुआ है। 5वां में कि एकदम मतलब मान के चलिए कि फुल्ली चेक मतलब श्योर है कि ये जो है कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, कोरेट्स 5 लिखा जाता है। मतलब कोरेट्स 5 मतलब कि ये लंग में जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि ये कोरोना वायरस के चलते ही जो लंग्स में हुआ है ये पैच आया है, निमोनिया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। और कोरेट्स 6 का मतलब है कि आप स्वैब टेस्ट भी करा लिए हैं और स्वैब टेस्ट में आपका जो है रिपोर्ट COVID-19 जो है पॉजिटिव आया है। तो स्वैब टेस्ट भी हो गया और सिटी भी हो गया, तो सिटी में तो आएगा ही फाइंडिंग्स और वो आपका स्वैब टेस्ट जो है ऑलरेडी जो है RT-PCR में वो पॉजिटिव आ चुका है, तो इसको हम 6 बोलते हैं। तो इसीलिए कभी ये नहीं समझिएगा कि जो कोरेट्स 2 है, 3 है और 6 है तो 6 ज्यादा डेंजरस है। 6 ने बस कंफर्म कर दिया कि ये कोविड के चलते लंग में जो है इन्फेक्शन हुआ है। 2 वाला क्या बोला, तो 2 वाला बता रहा है आपको कि ये लंग में कोई चेंजेस आया है बट ये कोविड का है कि वायरस का है, कोई अदर वायरस का है कि बैक्टीरिया का है कि फंगस का है, इट इज नॉट क्लियर। 3 वाला जस्ट आपको बता रहा है कि चांसेस है, थोड़ा चांसेस है कि ये कोविड के चलते हुआ है। 4 बता रहा है कि चांसेस और ज्यादा है कि ये कोविड के चलते हुआ है। 5 बता रहा है कि ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा बहुत हद तक क्या मतलब मान के चलिए 99% जो है चांसेस कि ये कोविड इन्फेक्शन ही हुआ है, कोविड के चलते हुआ है। और 6 तो मैंने बताया कि आपके पास स्वैब टेस्ट जो है ऑलरेडी मौजूद है, मतलब रिपोर्ट तो आ ही चुका है कोविड का और उसी के चलते जो है लंग में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये है कोरेट्स। इसीलिए कोरेट्स आपको सिर्फ ये बता रहा है कोरोना वायरस के चलते लंग इन्फेक्शन हुआ है, बस और कुछ नहीं बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि लंग इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक टाइप का लंग इन्फेक्शन हुआ है, ये सब नहीं। इसके लिए है सिटी सीवियरिटी स्कोर जो कि हम अभी देखेंगे। तो सिटी सीवियरिटी स्कोर क्या है कि भाई लंग का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लंग जो है अफेक्टेड हुआ है कोविड के चलते, तो वो कितना हुआ है, तो इसको हम मेजर करेंगे सिटी सीवियरिटी स्कोर से। जस्ट एक जनरल आइडिया के लिए कि आप जान लें कि जो राइट लंग होता है फेफड़ा वो 3 लोब से बनता है और लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 लोब से बनता है। अब हर लोब में हर एक लोब का तो टोटल हो गया 5 लोब। अब हर एक लोब में कितना परसेंटेज जो है इन्वॉल्व हुआ है, कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है जो कोविड वायरस के चलते जो है कोरोना वायरस के चलते कितना एरिया डैमेज हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है, इन्वॉल्व हुआ है, उसको हम लोग ग्रेडिंग देते हैं, स्कोर देते हैं कि अगर एक लोब का लेस देन 5% एरिया अगर हम इन्वॉल्व है वायरस के चलते तो इसको हम बोलते हैं 1 स्कोर देते हैं। उसी लोब का अगर हम देखते हैं कि अगर जो है 5 से 25% अगर इन्वॉल्व है तो इसको हम 2 देते हैं, 25 से 50 होता है 3 स्कोर देते हैं, 50 से 75 होता है तो 4 स्कोर देते हैं, और 75% से ज्यादा अगर ये लोग जो है इन्वॉल्व हो गया है, न्यूमोनिया हुआ है या लंग डैमेज हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि स्कोर 5 है। तो टोटल अगर हम स्कोर की बात करें तो एक लोब में मैक्सिमम स्कोर हो सकता है 5, मतलब एक लोब में मैक्सिमम 75% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो हम उसको 5 स्कोर देते हैं, तो मैक्सिमम 5 हो गया, तो 5 लोब में हो जाएगा 25। अब हम क्या करते हैं कि टोटल हमको मालूम हो गया कि 25 है स्कोर। अब जो है सीटी स्कैन होता है कोविड पेशेंट्स का, उसको अगर न्यूमोनाइटिस का सस्पेक्टेड है तो सीटी स्कैन किया गया और देखा गया कि आखिर उसका जो है टोटल में से, टोटल लंग के लोब से ओवरऑल कितना कितना परसेंटेज जो है
इन्वॉल्व है और हर परसेंटेज पे एक स्कोर है, तो वो देखते हैं और उसके हिसाब से हम स्कोर देते हैं। तो उसमें आता है 8/25 या 15/25 या 19/25, 20/25। तो ये हमको बता रहा है कि कितना एरिया, जितना ज्यादा है, मतलब अगर एक तरह से बोले स्कोर, उतना ज्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट। अब इसका भी क्राइटेरिया है, कैसे हम समझेंगे कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। 8 से अगर कम होता है तो हम बोलते हैं कि माइल्ड है, मतलब अगर 8 अगर स्कोर आता है, 8/25 आ गया तो हम बोलते हैं कि माइल्ड है। अगर हम देख रहे हैं कि 9 से लेके 15 तक आता है तो हम बोलते हैं मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब जो स्कोर है सीवियरिटी है, मॉडरेट ग्रेड है। और अगर हम देखते हैं कि 16 से लेके 25 अगर आता है तो हम बोलते हैं कि इसका लंग जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है और ये जो है सीवियर ग्रेड में आता है। तो वर्स्ट कंडीशन हो सकता है कि 25 जो है जो स्कोर है 25/25 आ जाए, मतलब समझिए कि वर्स्ट स्कोर है। सिटी सीवियरिटी स्कोर से एक चीज आपको पता चलेगा कि लंग अगर ज्यादा अफेक्टेड है तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, ज्यादा अगर अफेक्टेड है तो वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल स्टे ज्यादा दिन हो सकता है, चांसेस ऑफ मतलब पेशेंट का जो है डिटोरिएट करने का ये ज्यादा है अगर सीवियरिटी ज्यादा आ रही है। तो ये सब चीज इन्फरेंस निकाल सकते हैं सिटी सीवियरिटी स्कोर। और उसके साथ साथ ब्लड पैरामीटर्स को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी सीवियरिटी स्कोर के हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलेगा। ब्लड पैरामीटर्स में भी जो मैंने बोला इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वो सब देखा जाता है और फिर कोरिलेट करके फिर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। कोरेट्स और सिटी सीवियरिटी स्कोर के बारे में एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज कि एक जो घर है वो मान लीजिए कि लंग्स है और वो घर है, और एक आदमी है समझिए कि वो कोरोना वायरस है। एक आदमी बहुत फेमस है एक किसी एरिया में कि वो हर घर में जो है आग लगाता है। तो कोरेट्स क्या करता है कि पकड़ेगा कि क्या वो वही आदमी है जो आग लगाया है, मतलब कोविड को पकड़ेगा, उस आदमी को पकड़ेगा, ये कोरेट्स है। और सिटी सीवियरिटी स्कोर क्या पता करेगा कि वो जो आदमी कोविड जो आग लगाया उसके चलते डैमेज कितना हुआ। तो सिटी सीवियरिटी स्कोर ये हो गया और कोरेट्स जो है वो पर्टिकुलर वो वायरस को डिटेक्ट करेगा कि क्या ये यही आदमी है जो बहुत फेमस है, बहुत नोटोरियस है आग लगाने के लिए, दैट इज कोरोना वायरस। और उसका जो डैमेज को पता करने के लिए जो है सिटी सीवियरिटी स्कोर की, उस कोविड के चलते उसने तो आग लगाई डैमेज कितना हुआ, तो वो एसेस करेगा सिटी सीवियरिटी स्कोर। तो ये है कोरेट्स और सिटी सीवियरिटी स्कोर। और एक मशीन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, खासकर अभी के कंडीशंस में जहां ऑक्सीजन की काफी क्राइसिस चल रही है। ये मशीन में अप टू 1 से लेकर 10 लीटर पर मिनट तक आपको अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये मिल जाती है, और ये बहुत सारे जगह जो है अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ये मिलता है, और ये बहुत सारे हॉस्पिटल सेटअप्स में भी रखा जाता है। इसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोलते हैं। ये रूम एयर से जो ऑक्सीजन है 21% जो होता है उसको यूज करके प्यूरिफाई करके जो है 90-95% जो है ऑक्सीजन प्योर जो है ये बनाता है, और फिर जो है ये पेशेंट्स को जो है डिलीवर किया जाएगा थ्रू जो है ट्यूब के थ्रू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में मैं बात करूंगा कि अभी खासकर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये अभी जो एक्यूट क्राइसिस चल रहा है जो ऑक्सीजन का, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये जो है इलेक्ट्रिक से ये चलती है, और जो ये मशीन जो है पोर्टेबल होता है, आप इसे ले सकते हैं। बहुत जगह जो है इसको हॉस्पिटल्स में जो है यूज किया जा रहा है, हालांकि दाम जो है काफी ज्यादा है, 40-50,000 के आसपास आता है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप लिखेंगे तो ये दिख जाएगा, और बहुत हॉस्पिटल्स इस पे डिपेंडेंट है, इस पे यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा इसको। अप टू 9 लीटर 9 to 10 लीटर, मतलब 1 लीटर से लेकर 10 लीटर तक अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, 3 लीटर 4 लीटर 6 लीटर, तो ये आपको जो है मिल जाएगा इससे। और ये कैसे काम करता है, तो जो रूम एयर है, रूम का जो ऑक्सीजन है, इसको जो है 21% जो ऑक्सीजन होता है उसको प्यूरिफाई करके जो है 90-95% बना के फिर आपको जो है ये डिलीवर करेगा थ्रू द ट्यूब के थ्रू डिलीवर होता है। तो ये काफी अच्छा है और काफी कारगर है, तो जहां भी ये शॉर्टेज है तो इसका भी यूज किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइम शेयर करें ताकि लगभग जिनको भी जरूरत है उन तक सारी इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज पहुंचे। थैंक यू सो मच।